हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा एंड शिवाय। बहुत दिनों से मुझे लगता है मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। उसका रीज़न ये था कि हम कुछ दिन के लिए बाहर घूमने गए हुए थे एंड थोड़ा हेक्टिक भी चल रहा है, तो आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड एनी वीडियो। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जोधपुर, जहाँ पर हमारा स्टे है फॉर 3 डेज। एंड आप देखेंगे इतना ब्यूटीफुल प्लेस था, राजस्थान की बात ही अलग है। तुम क्या दरबान वाला काम कर रहे हो? चलो अंदर, चलो चलो। आगे कौन? कृष्णा। कृष्णा मासी, मजा आ रहा है? पानी ठंडा है बहुत ज्यादा। इस पे बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। इसको तो घूमना है सारा दिन। ड्रामेबाजी की तरह घूम रहा है ना ये, वो दिखा रहा है। चलो चलो, अच्छा चलो फिर रूम में चलो, टीवी देखेंगे। जब आपको नहीं खेलना है यहाँ पे तो फिर रूम में चलो। शिवाय ना एक्चुअली स्विमिंग पूल के अंदर जाने की जिद कर रहा था एंड जोधपुर में बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, बट बच्चे के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत ठंड होने की वजह से मैं उसको अलाउ नहीं कर रही थी। जब उसको ऐसा लगता है कि हम उसको भाव नहीं दे रहे तो वो पार्टी चेंज कर लेता है एंड उसने पार्टी चेंज कर ली है। वो मासा जी के साथ घूमेगा। मजा आ रहा ना? अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मजा आया पूरा। अब मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। तो दिस इज़ आर रूम विच इज़ क्वाइट बिग एंड स्पेशियस। हमारे होटल का नाम था होटल रतन विलास जोधपुर, जो कि जोधपुर की काफ़ी फेमस हवेली है एंड एवरीथिंग इज जस्ट रॉयल हेयर। एंड आई रिकमेंड कि अगर आप जोधपुर विजिट करते हैं तो डू विजिट दिस प्लेस। ये मुर्गा मैंने ना शिवाय के लिए रास्ते में से खरीदा था, जहाँ पर ब्रेकफास्ट किया था एंड शिवाय ने इसकी काफ़ी पिटाई करी है। होटल के बाहर का व्यू ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी सिर्फ गार्डन ही गार्डन है एंड बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल है, ताकि आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से इंजॉय कर सके। एक चीज़ जो हम हमेशा ध्यान रखते हैं शिवाय के साथ ट्रैवल करते हुए, वो है कि हमारा होटल ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चा भी हमारा अच्छे से इंजॉय करे। एंड इन केस जैसे अभी लॉकडाउन का टाइम है, हम बाहर नहीं जा पाते हैं, तो हम होटल में अपना स्टे अच्छे से इंजॉय कर सकें। दिस इज़ आर बाथरूम विद जकूजी। तो देखते हैं इसको हम यूज़ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट इतना बड़ा बाथरूम, वाओ। जनरली घरों में हम लोगों के इतने बड़े बड़े बाथरूम नहीं होते हैं, बट बाथरूम अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड इन दिस बाथरूम ऑल्सो एवरीथिंग इज सो रॉयल, आई एम जस्ट लव विद दिस। सो हम लोगों का रूम जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, जस्ट ऑपोजिट टू स्विमिंग पूल। जैसे आप गेट खोलते हो आपको बड़ा सा स्विमिंग पूल नज़र आता है, सो द व्यू इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एंड शिवाय ने कोई सीढ़ी नहीं छोड़ी होटल में जो उसने ना चढ़ी हो। अब तुम स्विमिंग पूल का गेट बंद करोगे? वो बंद है, बंद है वो। आओ शिवे, टर्टल दिखाऊंगी। टर्टल शिवे, टर्टल देखो, टर्टल पूरी, टर्टल पूरा, टर्टल देखो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बजे हुए सुबह के 7 एंड जैसा कि मेरा डेली शेड्यूल होता है तो मेरी जल्दी आंख खुल जाती है। तो अभी मैं बाहर आके बैठ गई हूँ। शिवाय एंड शिवाय के पापा भी सो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर शांति में बैठा जाए। तो यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ शांति है एंड थोड़ी थोड़ी चिड़ियों की आप आवाज़ सुन सकते हो। इसके अलावा कोई शोर शराबा नहीं, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं कि सुबह उठना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, ऑफिस ज्वाइन करना है, जस्ट रिलैक्स्ड। आ
आ जाओ शिवाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं इसको उतारते नहीं, ठंडी ठंडी लग जाएगी, उतारते नहीं है इसको। चलो घूमी चलेंगे, आओ चलो चलो आओ। कहाँ जाओगे बताओ? अब यहाँ भी गेट बंद करोगे सुबह सुबह भी? आओ घुमा के लाऊंगी, चलो 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 चलो। तुम क्यों सबके कमरे में झांक रहे हो, क्यों सबको बंद कर रहे हो उनके कमरे में? चलो बाहर घुमा के लाऊंगी, आओ क्या देख रहे हो आप यहाँ पे, आओ घुमा के लाऊंगी शिवाय। दिस इज़ आर फर्स्ट प्लेस टू विजिट इन जोधपुर। कल हम लोग काफ़ी थक गए थे, काफ़ी लंबा ट्रैवल करके आए थे, तो फर्स्ट डे हमने स्पेंड किया रिजॉर्ट के अंदर एंड आज हम निकले हैं थोड़ा जोधपुर घूमने के लिए। तो दूर से आपको एक सिटी नज़र आ रही है, दिस इज़ मेन जोधपुर सिटी, जहाँ के घरों का रंग है ब्लू कलर, इसलिए जोधपुर को हम बोलते हैं ब्लू सिटी। एंड दिस इज़ द फोर्ट जिसको हम बोलते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट, जो कि जोधपुर का काफ़ी फेमस फोर्ट है। इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, 150 फीट इसकी ऊंचाई है। शिवाय जोधपुर सिटी मैं आपको और करीब से दिखाती हूँ। तो मुझे अभी गाइड ने बताया है कि यहाँ पर ब्राह्मणों के घरों को ब्लू कलर से राजा के टाइम पे रंगा जाता था फॉर डिफ्रेंशिएटिंग के ब्राह्मणों का घर है। एंड दिस इज़ उम्मेद भवन जहाँ पर प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल मेहरानगढ़ फोर्ट। अगर इसकी आप कलाकारी देखेंगे तो आई थिंक कैप्चर इतनी अच्छे से नहीं हुई है कैमरे के अंदर, बट ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड बहुत ही बारीक काम था। इसके अलावा गाइड ने बोला था कि 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको फोर्ट घूमने के लिए, तो शिवाय ने अपना सवारी डिसाइड कर ली है। 15-15 मिनट के लिए हम उसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए हैंडल करते हैं, उसने पैदल तो चलना ही नहीं आज। और अभी आप शिवाय के टेंट्रम भी देख लीजिए। शिवाय ने फोर्ट के अंदर एक भी कदम पैदल नहीं चलाया, या तो वो अपने पापा मम्मी की गोदी था या मासा मासी की गोदी था। एंड बाहर जैसे हम फोर्ट से निकले तो फोर्ट के बाहर यहाँ पे बजरी पड़ी हुई है, काफ़ी साफ एरिया है बिल्कुल। बट शिवाय को इतना अच्छा लग रहा है उसको पैर रखने उसके अंदर, फिर अपने सैंडल के बीच में वो बजरी फंसानी है, फिर मम्मी को बोलना है कि मम्मी इसके अंदर से निकाल दो, साफ कर दो। एंड ही इज़ रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन।
क्योंकि यहाँ राजा रानी रहती है, समझ आता है उनको। दिस इज द सेकेंड प्लेस वी विजिटेड इन जोधपुर आफ्टर मेहरानगढ़ फोर्ट। तो ये है जसवंत थाड़ा जो कि मेहरानगढ़ फोर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बट हम लोगों के पास गाड़ी थी तो हम गाड़ी से यहाँ पर आए हैं। इसकी हिस्ट्री भी मुझे ज्यादा नहीं पता है, बट जो लोग मेहरानगढ़ फोर्ट में रहते थे, राजा, उनके पूर्वज, उनकी समाधियाँ यहाँ पर स्थित हैं। एंड बीच में एक बहुत सुंदर व्हाइट कलर की बिल्डिंग थी जिसके ऊपर बहुत ही सुंदर नक्काशी की हुई थी। एंड यहाँ पे भी शिवाय शुरू हो गया। जहां उसने सीढ़ी देखी वहां पे उसने सीढ़ियां चढ़ी, और जहां हम उसको अलाउ नहीं कर रहे थे वो वहां पे चिल्ला रहा था। एंड आई डोंट नो वो क्या चीज प्रैक्टिस कर रहा था, बट हाँ उसको अब बिना सपोर्ट के सीढ़ी चढ़ना एंड उतरना आ गया है। एंड उसने इसकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करी है। 3, 4, 5 वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, 1, 2, 1, 2 करके आओ, 1, 1 धीरे धीरे आओ, 1, 2, 3, 4, 5 आजो आजो जल्दी आओ जल्दी, श्वेय वन वन ऊपर नहीं जाते, अंदर आओ जल्दी, नीचे आओ नीचे, श्वेय ऊपर जल्दी आओ जल्दी, 1, 2, 3 करो, 1, 2, 1, 2 कर दो जल्दी से, 1 आ जाओ श्वेय, आओ जल्दी, 1, 2, 3, 4, 5 बड़ा मजा आ रहा है क्या? भाई ये सीढ़ी चढ़ना है यहाँ पे। नाउ वी आर बैक टू आर होटल। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी चीजें बंद थी तो वो चीजें हम विजिट नहीं कर पाए, बट होटल का नाइट व्यू भी बहुत अच्छा था, हमने बहुत अच्छे से इंजॉय किया। दिस इज आर फर्स्ट डे हाउ वी स्पेंड इन जोधपुर। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी हमने सेकेंड डे जोधपुर में क्या क्या किया। तब तक के लिए बाय बाय।